नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तपस्या वेदी है और मैंने BBSC NDH कर रखी है। मुझे इस फील्ड में 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, किसान भाइयों एवं डेयरी वर्कर्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे भी आपने अपने पशु को किस तरीके से रखना है, गाभिन पशु को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और आपकी जो भी क्वेश्चंस है वो आप हम लोगों को कमेंट में पूछ सकते हैं और हम आगे जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है प्रेग्नेंट पशु पे, यानी कि गाभिन गाय की आपने गाभिन गाय जो है, यानी कि गाय जो है, उसकी आपने कैसे देखभाल करनी है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है भी ये बहुत ही मेन एक टॉपिक है भी हमने इनकी केयर कैसे करनी है, चाहे पशुपालक है, चाहे किसान भाई है, चाहे डेयरी वर्कर है। इन तीनों का काम है भी इनको उनसे पशुओं से उत्पादन चाहिए तो वो अपने पशु की केयर किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, हम पशु को क्या खिलाएंगे? शुरुआती दिनों में तो पशु को हम वही खिलाएंगे जो उसकी डाइट चलती आ रही है, पर हमें ये ध्यान रखना है भी हम पशु को खाना किस तरीके से डाल रहे हैं, यानी कि कहीं ऐसा ना हो हम ये सोच लें भी पशु गाभिन है और पशु को हम ज़्यादा खाना खिलाने लग जाएं। तो इसमें हम पशु को हरा चारा ज़्यादा ना खिला करके उसके साथ हम सूखा भी मिलाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा भी अगर हम उसको हरा चारा ज़्यादा खिला देंगे तो पशु को दस्त लग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर पशु को दस्त लग गए तो वो बीमार हो जाएगा और उसको हमें अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर हम खाने पीने का ध्यान देंगे पशु का तो और उसकी साफ सफाई का ध्यान देंगे तो पशु एकदम स्वस्थ होगा। तो दोस्तों, उसकी जहाँ पे हम पशु को रख रहे हैं उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, जैसे कि गर्मियों का टाइम है, अगर गर्मियों के टाइम में हम पशु को साफ सुथरा रखेंगे तो पशु जो है वो एनर्जेटिक भी रहेगा। और गर्मियों में ये ज़रूर ध्यान दें कि ज़्यादा गर्मी में पशु को रोज़ नहलाएं। रोज़ नहलाने का मतलब है भी पशु को आप सुबह 7 बजे से पहले ज़रूर नहलाया करें और उसके बाद नहीं, उससे क्या है पशु को गर्मी भी नहीं लगेगी और वो सारा दिन एनर्जेटिक रहेगा। दोस्तों, जहाँ पे आप पशु को रख रहे हैं पशु को आप बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर रखें, नहीं तो वहाँ पे उसको बीमारियाँ घेर सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भी सर्दियों के टाइम में पशु को आपने हफ्ते में एक बार नहलाना है, गर्मियों में तो हर रोज़ नहलाना है, पर जो विंटर सीजन है, सर्दियों का समय है, उसमें आपने पशु को एक बार ही नहलाना है हफ्ते के अंदर। और उसके जो अयन है, पशु का जो अयन है यानी कि अडर है, उसको भी आपने सर्दियों में हफ्ते में 2 बार तो क्लीन करना ही है। पशु को जब आप नहला रहे हैं अच्छे से ब्रश ले करके, अगर आपके पास पीपी सॉल्यूशन नहीं है तो आप नीम उबाल करके, नीम की पत्तियां उबाल करके वो पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पशु स्वस्थ रहेगा, पशु की जब ग्रूमिंग यानी कि खुरहरा होएगा तो उससे भी पशु जो है वो एक्टिव रहेगा। और दोस्तों, पशु के जब पार्चुरेशन नज़दीक होता है यानी कि प्रसव नज़दीक होता है तो उससे पहले पशु के भी थनों में दूध आने लग जाता है। तो कई किसान भाई क्या करते हैं, उस समय दूध दोहने लग जाते हैं, तो वो गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और पशु जब प्रसव से पहले पशु को 2 महीने तक दूध नहीं दोना चाहिए,
उस पीरियड को ड्राई पीरियड बोला जाता है, यानी कि शुष्क काल बोला जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है जिससे कि आने वाला बच्चा जो है, जिसको वो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो अंदर बन रहा है, वो आने वाले बच्चे को जो है दूध के माध्यम से आगे मिल सके, और पशु की बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस बन रहा है वो अंदर ही उत्पन्न होने दे। कई लोग कहते हैं अभी हम बाहरी माध्यम से दे रहे हैं, पर उसके अंदर जो बन रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए 2 महीने का टाइम पशु में ड्राई पीरियड का टाइम रखा जाता है। और ये जो चीज़ है, ड्राई पीरियड जो है, ये आने वाले जो आगे जो मिल्किंग होनी है उसके लिए भी बहुत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, आप अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और एक चीज़ का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें भी, आपका पशु अगर गाभिन है और लास्ट टाइम में है, लास्ट ट्राइमेस्टर में है, तो उसको आप बाकी झुंड से अलग कर दें, ताकि उसको किसी प्रकार की दूसरे पशु से कोई भी हानि ना हो सके। और पशु के खाने के अंदर मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड कर दें, जिससे कि दूध की गुणवत्ता आगे बढ़ जाए। और पशु के चारे में कंसंट्रेट जो है, यानी कि पशु के चारे में आप जो है वो गेहूं का दलिया और मक्की का दलिया भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि पशु के लिए बहुत लाभकारी है। अंत समय में आप पशु को जो सरसों का तेल है वो भी हल्का गुनगुना करके आप दे सकते हैं, जिससे कि जो कि चिकनाहट का काम करेगा अंदर बॉडी के अंदर। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी भी, आप अपने पशु का गाभिन अगर है तो किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।